मत साला, ये ससुराल निशाना क्यों नहीं लग रहा? साला हाथ का निशाना तो लग जाता है, बंदूक का निशाना नहीं लग रहा। इससे पहले बंदूक चलाई नहीं है ना कभी, एक बार और ट्राई करता हूं। तेरी अभी भी निशाना नहीं लगा। साला इंस्पेक्टर साहब ने क्या कहा था कि गांव चले जाओ, उनकी सारी पुलिस फोर्स मार दी गई थी। मैं इस गांव में तो आ गया बच बचा के, लेकिन अभी गांव वालों ने मुझसे उम्मीद तो लगा रखी है, लेकिन क्या करूं, डाकू भी तो खतरनाक है। कहीं ऐसा ना हो क्या जी तू इस दुनिया से लतपत हो जाए। नहीं ऐसा नहीं होगा, अगर गांव वालों ने मुझसे कुछ उम्मीद लगाई है तो इनकी उम्मीद में खरा उतरूंगा, कभी तो लगेगा निशाना साला। लग गया, अरे लग गया, वाह। इसका मतलब है मैं बंदूक चलाना सीख गया। हाँ मैं बंदूक चलाना सीख गया। क्या हुआ थानेदार? ठेकेदार, देखा मेरा निशाना? इतनी जोर जोर से क्यों हंस रहे थे तुम? अरे मैंने निशाने से बोतल फोड़ दी ठेकेदार, और अगर कोई भी आता ना उसको भी फोड़ देता। फोड़ दी। मैं तो डाकू को भी इसी तरह मारू। ठेकेदार तू मेरा बड़ा ख्याल रखता है बे। ठेकेदार एक बात बता, उस दिन तूने उस कुड़ी के खिलाफ मुझे क्यों भड़काया था? पुड़ी के? अरे वो लड़की जो थी राधा। राधा? हाँ वो तो उनकी। अरे इसकी राधा। अबे चुप साले, लड़की को भड़काता है? अरे मिली मतलब भड़काता मुझे भड़काता है लड़की? अरे वो बहुत शरीफ लड़की है और तू जो है मुझे भड़काता है। शरीफ लड़की है? ठेकेदार किसी की शराफत का ज्यादा नाजायज फायदा मत उठाओ, वरना ये दम्बुक देखिए, बंदूक देखिए ठेकेदार, सारी गोलियां इसमें डाल दूंगा। वैसे पहला आदमी देखा होगा दो नाली से तीन गोली चलाते हुए। तीन गोली? हाँ। कहां से चला रहे हो तीन गोली? अरे तुम बेफिक्र हो ठेकेदार, अब ठेकेदार इस गांव के अंदर चौकी तो खुल गई। ठेकेदार हाँ, क्या कह रहे थे? तू तो बहुत कमीना आदमी है एक नंबर का। सरकार मैंने क्या आप कमीनापन कर दिया? और ठेकेदार एक बात और, इधर आ। कहो। मैंने सुना है तेरा डाकू के अड्डे पे आना जाना है। नहीं नहीं तुमसे किसने कहा? सरकार मेरा आना जाना नहीं है। ठेकेदार एक बात सुन ले, अगर तू डाकू का मुखबर निकला ना तो मैं तेरी जान ले लूंगा साले। नहीं नहीं मैं कुछ नहीं हूँ, मैं तो खंबा 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 लेने आते हूँ। ठेकेदार पकड़, जा खाने पीने का इंतजाम कर। ठीक है वहीं आके पीऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल चल। आइएगा आइएगा जरूर आइए। चल ठेकेदार, ओ ठेकेदार तुम ऐसा लगता है कि देखा लग रहा होगा, शकल देखी हुई। हाँ तुम गांव वालों को हो क्या गया ससुरा? हमारी शकल देख के देखा सा लग रहा है, सुना सा लग रहा है। अरे ठेकेदार का है तो? तुम कौन हो? मैं कोई भी सही, पहले तुम बताओ कि तुम कौन हो? अरे कुड़िये मतलब है लड़की। कुड़िये? अरे लड़की तू कौन है? ठेकेदार की लड़की लग रही है तू। ठेकेदार कौन हो? अरे मैं इस इलाके का थानेदार हूँ। थानेदार? हाँ। नमस्ते सर। नमस्ते। नहीं बताया। अरे तुम्हारे इधर ही तो चौकी खोली घर में और क्या। अरे ठेकेदार। अरे सरकार नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। पिताजी आप पहले से जानते हैं? अरे तेरे पिताजी की वजह से तो यहाँ चौकी खोली हुई है। हाँ ठेकेदार एक लड़की तुम अंदर जाओ, तुम्हारे बाप से कुछ बात करनी है। ठेकेदार बोलो। सरकार हमें भी खबर मिली है। क्या खबर मिली है? कि डाकू शाखा इधर आ रहा है। डाकू शाखा इधर आ रहा है? हमारी तो दुकान चौपट हो जाएगी। चौपट हो जाएगी? हमने सुना है ठेकेदार तुम डाकू को दारू पिलाता है, मुर्गी खिलाता है।
ऐसा कुछ नहीं है, वो लोग तो खुद मेरे ठेके पर आते हैं पीने के लिए, एक खंबा और मुर्गा। ठेकेदार, जब से हमने यहाँ पुलिस चौकी खोली है एक भी बार नहीं आए, आखिर वजह क्या है? मुझे नहीं पता सरकार, देखो मुझे और नहीं। ऐसा है जो डाकुओं तक यहाँ की खबर पहुंचा रहा है। डाकुओं तक खबर पहुंचाता है? हो नहीं 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 तौबा तौबा। ठेकेदार, तू शक्ल से जितना हरामी है ना उतना है नहीं। मैं शक्ल से हरामी? नहीं। खाने का क्या इंतजाम है? इंतजाम पूरा है सरकार, आओ लगा लगी हुई है आपके लिए थाली। थाली आइए। साला। अरे अच्छा हुआ आप मुझे मिल गए, मैं आप ही के पास आ रही थी। अच्छा ठीक है, क्या काम था? आप मुझे कुछ परेशान से लग रहे हैं, क्या बात है? परेशानी की बात है क्या? पिछले 1.5 महीने से इस गांव में हूँ मैं, एक भी डाकू मेरे डर से आया नहीं। लगता है हमारा खौफ डाकू के ऊपर छाया हुआ है। डाकू आएंगे नहीं, या तो मैं पहले इनविटेशन कार्ड नहीं भिजवाएंगे कि हम आने वाले हैं। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? राधा। राधा राधा, एक बात बताओ, ये साले गांव वाले किसी से भी पूछो उन डाकुओं का पता, उस जगह का पता, किसी को नहीं पता। अरे यहाँ कोई नहीं बताएगा आपको, ठीक है? तो मैं आपको बता रही हूँ, अब ध्यान से सुनो मेरी बात। देखो काली पहाड़ी के पीछे शाका आने वाला है, और उसके बराबर में जो गांव है उसको लूटने जा रहे हैं वो लोग। तुम बेफिक्र रहो, आज के बाद इस लखीमपुर में तो क्या किसी भी गांव में टांका नहीं डलेगा। बस मैं यही चाहती हूँ, इसी गांव में खौफ नहीं है, हमारे जितने भी आसपास के गांव हैं डाकुओं का इतना बड़ा खौफ है कि मैं बस क्या बताऊँ। और कल मैंने जो आपसे बातें करी तो मुझे ऐसा लगा कि आपको देख के भी कोई उम्मीद की किरण नहीं जगी। क्या? कि ऐसा लगा कि आप भी किसी काम के नहीं हो। क्या बात कर रही हो लड़की? मतलब हम किसी काम के नहीं है? नहीं नहीं मेरे अरे हम थानेदार हैं थानेदार, वो तो साले डाकू हमारे डर से इस गांव में नहीं आ रहे, वरना तो एक एक करके सबको टपका देते हम यहाँ पर। अच्छा हाँ, तो काली पहाड़ी के पीछे जाओ और टपका के आओ और उस गांव को लूटने से बचाओ। अरे तुम बेफिक्र रहो, तुम जाओ आज रात को काली पहाड़ी के पीछे गांव को लूटने आ रहे हैं, उसके बराबर में, उसके बराबर में जो गांव है, जो गांव है उसको लूटने आ रहे हैं, उसको लूटने आ रहे हैं। कौन आ रहा है? कौन आ रहे? हाँ मतलब डाकू आ रहे हैं, डाकू डाकू छाका आ रहा है। बात पूछ। हाँ पूछो। मुझे शक क्यों लगता है तुम पे बार बार? शक किस बात का शक? मुझे ऐसा क्यों लगता है, एक तो जब भी मैं तुमको देखती हूँ जब भी ऐसा लगता है कि ये चेहरा मैंने देखा है, और कहाँ देखा है और किस जगह देखा है ये समझ में नहीं आता। अरे कुड़िये, मेरा मतलब लड़की, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये चेहरा तुमने देखा ही नहीं है। अरे अरे दुनिया में ये 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 दुनिया में एक ही पीस बना। अच्छा तुम बकवास ना करो दादा, जाओ रात को इंतजाम करना है डाकुओं को पकड़ने का। देखो इंतजाम मतलब पकड़ूंगा मैं। हाँ देखो वहाँ तुम्हें पहले पहुँचना होगा, उनके आने के बाद मत पहुँचना। अच्छा हाँ? एक बात बता लड़की, कहीं ऐसा तो नहीं है मुझे टपकवाने का पूरा बंदोबस्त करके आई है? मैं जाऊँ पहले से और वो डाकू, एक तो पूरे गांव वाले जितने भी है ना किसी गांव वाले ने मेरा साथ नहीं दिया। अरे यहाँ तुम्हें कोई कुछ नहीं बताएगा, मैंने तुमसे कहा यहाँ कोई कुछ नहीं बोलेगा। अरे इतना डर बैठा हुआ है गांव वालों के दिमाग में कि जवान अपनी बाहर नहीं निकालते हैं। तो जवान बाहर नहीं निकालते तो मैं क्यों उस गांव के लिए शहीद हो जाऊं? क्या शहीद हो जाऊं मतलब? अरे ये तुम्हारी ड्यूटी है और तुम्हारा फर्ज है। हां हां वो फर्ज है। हां मैं मतलब शहीद क्या, डाकू को जिंदा मार दूंगा मैं? इतनी देर में तो मैं किसी बच्चे को समझाती तो वो समझ जाता। मैं समझ गया, आप जाओ, मैं समझ गया। काली पहाड़ी के पीछे, काली पहाड़ी के पीछे आज रात को कौन आने वाला है? शाका डाकू। राइट समझ गया, मुझे लगता है समझ गया मैं। लेकिन उससे पहले तुम्हें पहुंचना है वहां। उससे पहले मुझे पहुंचना है? बिल्कुल बेफिक्र। और उनको कामयाब मत होने देना। बिल्कुल नहीं होने दूंगा कामयाब। उस गांव को लूटने से बचाना। मैं उस गांव तो क्या, मैं किसी भी गांव को लूटने नहीं दूंगा। मैं कसम खा रहा हूँ, किसकी खाऊं, मैं कसम खा रहा हूँ कानून की, मैं उसको उनको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आप मुझे, आप ऐसा क्यों लग रहा है कि ऐसा क्यों लग ए लड़की
तू बार बार एक ही बात क्यों कहती है मुझे डराने के लिए कि ऐसा क्यों लग रहा है, ऐसा क्यों लग रहा है? अरे थानेदार हूँ, थानेदार, और सख्त किस्म का थानेदार हूँ। अगर एक बार जो है ना, एक बार अगर मैंने किसी को देख लू तो कभी भूलता नहीं हूँ। हाँ अच्छा, अब तू बेफिक्र रहे, बार बार रिपीट क्यों कर रहे होगा थानेदार हूँ। शाखा शाखा आने वाले, ध्यान से ठीक है ना? और किस देखो बस मैं ये चाहती हूँ सेफ्टी के साथ, सेफ्टी के साथ है ना? ठीक है मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखना और उस गांव को लूटने से बचाना। अच्छा हाँ, और ताकि हमारे इस गांव में नाम हो के अपना ध्यान रखूं। क्या नाम है आपका? राकेश। राकेश, राकेश इंस्पेक्टर हमारे गांव में एक बहादुर इंस्पेक्टर है, और मैं तो ये चाहती हूँ तुम्हें मेडल मिलना चाहिए। बंदूक ऐसे मत करो, चल जाएगी। नहीं ये बंदूक नहीं चलेगी, खाली है। क्या? अभी इसको सफाई करके आया था मैं। वैसे एक बात बताऊं, तुम्हें मेरा ख्याल है? जाके अपना काम करो जो करने आए हो। ए रब्बा। ए शाका, एक दिन तेरा साम्राज्य खत्म कर दूंगा मैं। साला बच गया, कोई बात नहीं, आज बच गया हमेशा थोड़ी बचेगा। मैंने सुना है कि तुमने डाकुओं को पकड़ लिया। हाँ पकड़ लिया, बस समझो पकड़ी लेते। पकड़ी लेते? लेकिन एक बात बताऊं, तुम्हारी खबर जो थी ना एकदम सच्ची थी, एकदम सच्ची। अरे वो तो होगी ना। हाँ एक तरफ शाका, एक तरफ मैं, मैंने फायरिंग करी, वो उधर से भागा, एक इधर से भागा, चारों तरफ से डाकू ने मुझे घेर लिया। और डाकू ने जब मुझे घेरा ना, तो मैंने भी कसम खाई कि सारे डाकुओं को गिरा दूंगा, लेकिन साले सब भाग गए। लेकिन हाँ एक शाखा है ना, शाखा, उसके हाथ पे गोली लगी है। साले क्या जख्म हो गया होगा, जिंदगी भर याद रखेगा किसी थानेदार से पाला पड़ा है। वो ये कह रहा होगा कि किस बेवकूफ से पाला पड़ा है। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि उसको जख्मी करके अब क्या हासिल कर लिया? अरे उनको पकड़ना चाहिए था। ओए कुड़िया, कुड़िया मन वाली लड़की। हाँ? पकड़ना चाहिए था, एक तो अपनी जान पे खेल के इन गांव वालों के, गांव वाले की हिफाजत करने आया हूँ मैं। अब ये क्या खाक हिफाजत करिए? अरे तुम शेरनी के बच्चे को पकड़ोगे तो वो तो घुर्राएगी। अब और ज्यादा वो लोग गुस्से में आ गए, तुमने एक इंसान को जख्मी कर दिया। अरे जख्मी कर दिया तो क्या हुआ, तुम लोग गांव वाले हो ना, जाओ घुस जाओ, कोई कोई डर नहीं है किसी का। अगर मैं हूं तो अकेला लड़ूंगा अपनी लड़ाई। अरे तुम लोगों के लिए मैं अपनी जान जोखिम में डालने के लिए यहाँ पर आ गया, और तुम लोग मेरे ऊपर ही बरस रहे हो। आ गया मतलब? अरे वो तो तुम्हारा काम है, वो तो कर्तव्य है। हाँ। लेकिन गांव वाला का भी कुछ फर्ज बनते हैं ना। अरे ये ऐसे गांव वाले नहीं है जो आपके साथ खड़े हो। तो फिर मैं एक नपुंसक गांव में आ गया क्या? क्या मतलब, इतने डरपोक गांव वाले थे कि डाकुओं के डर से। अरे मैं हूँ ना तुम्हारा साथ देने के लिए, मैंने तुम्हें एक एक खबर सही सही जगह की बता रही हूँ, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा। अरे उनको पकड़ना चाहिए था, उनको ऐसे कैसे छोड़ दिया? वहां कोई तुम लुप्पा लुप्पी का खेल खेलने गए थे जो उसको पकड़ा उसको मार दिया। ए, लड़की तू क्या समझती है कि ये फिल्मी डायलॉग बोल के तू मुझे ऐसे करेगी? अरे तुझे पता है क्या हुआ? अरे जब असली में गोली चलती है ना सामने सामने, उस वक्त एहसास हुआ मुझे भी कि जान जान की कीमत क्या होती है। अरे वो तो अच्छा हुआ चारों तरफ से मैं जब घिर गया, तो उसके बाद मैंने जो है ना अपनी बंदूक से उनको गोली चलाई। बड़ी मुश्किल से तो बंदूक सीखी, मतलब मैंने कहने का मतलब ये आपको शूट करना नहीं आता? अरे शूट करना क्या आता है, हमारे निशाने पे कोई शक है? बताओ किसको उड़ाना है? जिसको उड़ाना था उसको तो उड़ा नहीं पाए। अरे कह रहे हो कि मैं किसको उड़ाऊं? रहने तो तुम्हारे बस के नहीं है, तुम अपना ट्रांसफर करवा लो यहाँ से। हाँ किसी और को, बहादुर को भेजना, यहाँ यहाँ मर्द की जरूरत है। तो तुम क्या समझती हो तुम्हारे गांव में कोई मर्द नहीं है? अरे जब साले इन नामर्दों के बीच में मैं आ गया, एक अकेला मर्द क्या कर सकता है? हाँ सही कह रहे हो, गिनती तो तुम्हारी उनमें ही हो। अरे अच्छा हुआ इन गांव वालों को जुम तुम्हारे ऊपर उन डाकुओं के है। साले गांव वाले इसी लायक है, इसी लायक है ये गांव वाले। एक अकेला आदमी कितनों से लड़ेगा? अकेला? अरे तुम अकेली नहीं हो, मैं हूँ तुम्हारे साथ। अरे तुम तो लड़की हो, कुड़िये मतलब लड़की हो, तुम क्या कर लोगी है? अरे ये एक मिनट, ये बार बार कुड़िये क्या लगा रखा है? या कोई जोक चल रहा है या कोई फिल्म का डायलॉग चल रहा है?
होती और वो भी सीने में, तो हम ये हम सरकार को क्या जवाब देते कि एक कानून का आदमी मारा गया? कोई जवाब नहीं देते, कोई कानून का आदमी नहीं मरता। मतलब कहने का ये है तुम लोग गांव वाले क्या करते हैं? अरे जब तक ये पूरा गांव मेरा साथ नहीं देगा तो मैं अकेला क्या करूंगा डाकू का? मैं चीख चीख के तुमसे ये बात कर रही हूँ। अरे मैं भी चीख चीख के कह रहा हूँ, लड़की तुम लड़की हो, लड़की किसी मर्द की जरूरत है, लड़की की नहीं। और यहाँ मर्द तुम्हारी मदद करने कोई नहीं आएगा, अगर हेल्प लेनी है तो लड़की से लो बस, और नहीं हो रही है तो जाओ यहाँ से, हमारे हमें हमारे हाल पे छोड़ दो। ठीक है जाओ तुम अपना काम करो जाओ। ठीक है, साला पूरा मूड खराब करके रख दिया। ठेकेदार ठेकेदार, अरे आया सरकार। ठेकेदार अंगूरी निकाल के लाओ, आज उस कुड़ी ने बड़ी बेइज्जती करी है। अंगूरी? हाँ दारू। पहले उस अंगूरी से, पहले इस अंगूरी से मिलिए जरा। ये क्या है? ये है लेटर। लेटर? मैं क्या करूँ उसका? पढ़ के बताओ जरा क्या लिख रहा है, हम तो अनपढ़ हैं। अंगूठा? मतलब ये आया कहाँ से है? ये तो पता नहीं ये किसने भेजा है, पर मेरे पास तो ये हमारा डाकखाना है, इसका पोस्ट मास्टर मुझे दे करके गया। पोस्ट मास्टर? पढ़ के बताइए जरा। पढ़ के तो आप तो पढ़ना जानते हैं। हाँ अंग्रेजी में है। सरकार? उल्टा है। उल्टा है? तुझे बहुत पता है उल्टा है सीधा है? तू डाकू के बारे में तो बताता नहीं है, खत के बारे में बता रहा है क्या उल्टा है सीधा है? ठेकेदार मुझे तो तुझे भी शक हुआ है कभी कभी कि तू डाकू से मिला हुआ है। नहीं 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 सरकार ऐसा कुछ नहीं। कल रात तो वो शाखा मुझसे बच गया, एक तरफ वो एक तरफ मैं, और मैंने सीधी गोली जो दागी है ना साला। अरे हाँ हाँ वो हाथ पे तो लगी है, सही है वो। ठेकेदार तुझे कैसे पता कि उसके हाथ पे गोली लगी है? नहीं नहीं पता, मतलब ऐसे ही पता चल गया। ठेकेदार इसका मतलब है गांव का मुखबर तू ही है। नहीं नहीं तू ही मेरे खिलाफ गांव वालों को भड़का रहा है। नहीं नहीं जो ये गांव वाले साथ नहीं दे रहे, फिर तुझे कैसे पता क्या उसके हाथ पे गोली लगी है? अरे मैं बताया ना सुनवाई में आई थी, वो राधा मिली थी। राधा? राधा वो कुड़ी? कुड़ी वो लड़की बहुत तेज है। बस सरकार आप एक बात बताओ, ये कुड़ी और पुड़ी क्या करते रहते हो तुम? अरे ये छोड़ से, जा दारू का इंतजाम कर मेरे लिए, लेके आता हूँ लेके आता हूँ। और हाँ सुन, इस गांव में कोई पढ़ा लिखा है? आप सबसे बड़े पढ़े लिखे हैं। मेरा मतलब वो तो हूँ कोई ऐसा पढ़ा लिखा जो अंग्रेजी जानता हो। देखो सरकार एक ही पढ़ा लिखा था इस गांव में, वो थी मेरी बेटी। अच्छा? वो भी बाहर शहर चली गई है, और अब है एक पढ़ी लिखी और है हमारे। और कौन है? कौन है ऐसा? मेरा मेरा कहने का मतलब है और कौन पढ़ा लिखा है जो अंग्रेजी जानता है? आप इतने उससे क्यों पूछ रहे हैं? एक कहने का, अबे गांव में कुछ पढ़े लिखे लोग होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? है। अरे कहीं से कुछ बात हो तो उनको मैं सोच रहा हूँ पुलिस में भर्ती कर लूं। इसलिए कह रहा हूँ। राधा? राधा? राधा पढ़ी लिखी है। किसका नाम ले दिया? क्या कह रहे हो? मेरे कहने का मतलब वो उसके अलावा और कोई नहीं है? नहीं 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 इस गांव में। अच्छा राधा। अच्छा तो ठेकेदार तू जा कहाँ अंदर रोटी छोटी का इंतजाम कर। बिल्कुल कर रहा हूँ सरकार, मैं भी आता हूँ एक राउंड लेकर। आइए आप। चलो कितनी देर में आ रहे हैं? बस आ रहा हूँ। ठीक है ठीक आइए। सारा एक तो ये तार तार, मैं तो पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ, ये सारा क्या क्या गिटपट गिटपट लिखी हुई है, किससे पढ़वाऊँ? राधा राधा के पास कैसे जाऊँ? चल जाता हूँ। राधा? जी बताइए कैसे आना हुआ आप? वो कुछ नहीं, वो ऐसे ही आ रहा। अरे सुनिए इधर आइए। अरे बताओ क्या बात है, बताओ ना। कुछ नहीं, वो सोच रहा इधर से जा रहा था तो जा रहा था। फिर सुनिए ना। हाँ फिर
अरे मुझे लग रहा है आपको कुछ काम है। काम है? हाँ काम तो है। हाँ? वो लेकिन बात वो है। हाँ? कि अच्छा अरे सुनो तो जी। अरे काम बताइए, क्या काम है? मुझे लग रहा है कि आप कुछ कहना चाहते हैं। वो कहना कहना कुछ नहीं। कुछ सुनिए जी, काम बताइए, काम क्या है? लड़की जी, तुम मुझ पे हुकुम मत चला। नहीं नहीं, मैं हुकुम नहीं चला रही, आप बार बार जा रहे। तू पढ़ी लिखी है तो इसका ये मतलब है तू हुकुम चलाएगी किसी पे भी? अरे नहीं नहीं सर, कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं आप पे भला कैसे हुकुम चला सकती हूँ? मैंने सुना है, मैंने सुना है तू पढ़ी लिखी है और गाँव वालों के आगे अंग्रेजी झाड़ती रहती है। हाँ पढ़ी लिखी तो हूँ, अंग्रेजी झाड़ती है बहुत। अच्छा जी, मैं कैसे मान लूं कि तू पढ़ी लिखी है? हाँ, कैसे मान लूं मतलब? हाँ पढ़ी लिखी हूँ लेकिन आपके जितनी नहीं है ना। हाँ वो तो ठीक है। हाँ। लेकिन पढ़ी लिखी तो है ना? अब बिल्कुल। हाँ पढ़ी लिखी है तो मैं मैट्रिक से पढ़ी हुई हूँ, ज्यादा पढ़ी लिखी तो मैट्रिक नहीं हूँ। मैट्रिक सिक्स से। हाँ, अच्छा तो मैं कैसे मान लूं कि तू पढ़ी हुई हो? ये क्या? ये तो लेटर है। लेटर वहाँ तार, तार लेटर तार? नहीं अंग्रेजी में लेटर लेटर। हाँ लेटर लेटर है। हाँ और तो हिंदी में इसको खत कहते हैं। अच्छा खत कहते हैं। अच्छा एक बात बताओ। हाँ। हमने सुना है तुम गांव वाले पे रौब चढ़ाती रहती हो। क्या रौब जमाती रहती हो? नहीं मैं पढ़े लिखे का सबूत देती हो। अब ये बताओ, पढ़ के बताओ क्या लिखा है इसमें, बताओ। और हम कैसे मान ले के तुम पढ़ी लिखी हो? है बताओ। कांग्रेचुलेशन कांग्रेचुलेशन राकेश राकेश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आपका, जो आपने हाँ? ये काम हमारी कानून के लिए कर दिखाया। अच्छा? कि आपने एक डाकू को घायल करके ये कर दिखाया कि आप एक होनहार पुलिस ऑफिसर हैं। आई एम प्राउड ऑफ यू। तारीफ लिखी है, मेरी तारीफ है? तारीफ नहीं। हाँ, चलो अच्छा तो छाए कि तुम पढ़ी लिखी हो। हाँ, अच्छा ठीक है। हाँ, सही है। रुको। क्या ये खतवत पढ़वाने नहीं आए थे तुम? फिर तुम ये चेक करने आए थे कि मेरे घर में डाकू आते ही नहीं? नहीं नहीं, वो मैं नहीं, मैं तो बस ऐसे ये, 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 ये चेक कर रहा था कि तुम पढ़ी लिखी हो कि नहीं। अरे हटो, तुम जैसे से तो बात ही क्या कर। अरे राधा राधा।